एक दुखद घटना आज हो गई है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखित हूं, क्योंकि मेरे एक जाने माने सीनियर एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च करके एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश में लाए, इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। और मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर था, मेरी उम्र उस वक्त 26 थी, उस वक्त मुझे बोर्ड ऑफ रीजेंट बोल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बनाया गया। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेंबर बनते ही मुझे सारे भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलना, विजिट करने का भाग्य मिला था। तो स्वामीनाथन उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के हेड थे, रिसर्च स्टेशन के पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो पूरा हेड थे, काम बहुत अच्छा करा। और उनका हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे दुनिया में उनका नाम हुआ था, इसीलिए मैं उनको याद करता हूं। और ये कहूंगा, ये गलत नहीं होगा कि वो एक फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी जी ने की, जिसकी तारीफ राजीव गांधी जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सभी ने किया, यहां तक कि वो राज्यसभा के मेंबर भी हमारे तरफ से थे, गवर्नर से नॉमिनेटेड थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। और देश के किसानों के लिए बहुत कुछ योगदान उन्होंने दिया, इसीलिए मैं उनको याद करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनके आत्मा को शांति मिले, इसीलिए 2 मिनट अगर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो मुझे बहुत आपका मैं आभारी हूं। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। और उनकी उम्र थी 98, तो एक बहुत ही काबिल आदमी को हमने खोया है।